दंगों के बाद पकड़ाया हथियारों का बड़ा जखीरा, खरगोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एसपी को गोली मारने वाले मोहसिन को अवैध रिवॉल्वर देने वाला तूफान सिंह भी पुलिस की हिरासत में आया है। दरअसल खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान एसपी सिद्धार्थ चौधरी लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे थे, तभी मोहसिन नाम के एक दंगाई ने उन्हें गोली मार दी थी। तब से पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वालों को निशाने पर लिया हुआ है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि टिमरनी पुल के पास नीचे हथियारों की बड़ी खेप की डिलीवरी होना है। इस पर पुलिस ने जाल बिछाकर 7 आरोपियों को 17 अवैध पिस्टल और बुलेट के साथ पकड़ा। इनसे हथियार बनाने की सामग्री भी जब्त हुई है। अभी कुछ समय से लगातार हमारे पास सूचना आ रही थी कि अवैध हथियारों की तस्करी की जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा एक टीम गठित की गई, स्पेशल टीम, और सिग्नूर जो गांव है वहां पर दबिश दी गई। इसमें 4 टीमें थी, 4 टीमों के नेतृत्व में ये दबिश दी गई और इसमें करीब 7 आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी तूफान सिंह जो कि रामनवमी दंगे वाले मामले में जो कि फरार था, जिसने हथियार सप्लाई किए थे एसपी सर को गोली मारने वाले पर, तो उसको भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 6 अन्य आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जिन्हों जो कि तस्कर थे और बाहर हथियारों की सप्लाई करते थे। लिंक कहाँ से मिली सर? तूफान सिंह से लिंक मिली थी आपको? हाँ, इसके पर हमारे पास मोहसिन से तूफान सिंह की लिंक मिली है और तूफान सिंह से बाकियों की लिंक हमें मिली थी और हमारे पास अन्य मुखबिरों से भी सूचना थी जिस पर हम लोगों ने एक्ट किया है। क्या कार्रवाई चल रही है? कि इसमें टोटल हम लोगों ने अभी 17 पिस्टलें जब्त करी हैं और 17 पिस्टल के अलावा जो इनका जो मशीनरी रहती है पूरी बनाने की, ऐसे 6 कारखाने हम लोगों ने, फैक्ट्री जो है वो जब्त करी हैं और अभी इन लोगों से सघन पूछताछ की जाएगी, इनकी रिमांड भी ली जाएगी ताकि और इनका नेटवर्क को पता कर सके। कुछ आशंका है सर, कोई ग्रह वगैरह की आशंका है? अभी उसमें हम लोग पूछताछ करेंगे और विवेचना जो हमारी अनुसंधान रहेगा उसमें जैसे तथ्य सामने आएंगे उस पर कहाँ लेके जा रहे थे अभी ये कहीं लेके नहीं, इनके द्वारा बनाया निर्मित किया जाता है और अपने एजेंटों के थ्रू ये सप्लाई करवाते हैं। हाँ, इसमें एक तूफान सिंह पकड़ा गया है जिसने मोहसिन को ये पिस्टल सप्लाई करी थी, मोहसिन के द्वारा ही एसपी सर पर हमला किया गया था रामनवमी के दंगे वाले थे। नहीं, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये किसके लिए सप्लाई किए जा रहे थे, लेकिन इसमें अभी हम लोग रिमांड लेके इस पर पूछताछ करेंगे और जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उसको अवगत कराएंगे। इसकी कीमत कितनी होगी सर? एक पिस्टल की ये बाजार में जो बेचते हैं करीब 10 से 15 हज़ार में ये बेचते हैं।